सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का ट्यूसडे मॉर्निंग में स्वागत है। ट्यूसडे टिप्स की अगर बात चली है तो मैं आपके साथ में 6 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपके जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता से भर सकती है, आपके जीवन को बहुत अच्छे से सरलता से जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है। सबसे पहला टिप जो साइकोलॉजिकल फील्ड से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि आप जितना कम बोलेंगे आपकी जो बात है उतनी ही ज्यादा मायने रखी जाएगी। इसलिए जितना हो सके कम बोलिए ताकि आपके जो शब्द हैं उसके मायने हैं वो और भी बढ़ सके। वहीं साइकोलॉजिकल फील्ड से जो दूसरी टिप्स हमें पता चलती है, दूसरा टिप जो हमें देखने में आता है वो है कि हम जब हमारा फोकस, हमारी जो एकाग्रता है, अगर चुनौतियों पे या फिर तकलीफों पे ज्यादा रखेंगे तो वो जो चुनौतियां हैं या जो वो तकलीफें हैं वो और बढ़ेंगी बल्कि कम नहीं होगी। इसलिए हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो फोकस है वो पॉसिबिलिटीज पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा अगर हम एकाग्रता संभावनाओं पे रखेंगे, अपॉर्चुनिटीज पे रखेंगे, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आएगी। ये दूसरा टिप है जो साइकोलॉजिकल फील्ड से हमें जानने को मिलता है। तीसरा जो टिप है, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, बहुत सारे कन्वर्सेशन में हम दिन रात रहते हैं, इसलिए किसी भी चीज को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा किसी चीज को व्यक्तिगत रूप में ले लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीसरे टिप के माध्यम से जो साइकोलॉजिकल फील्ड से हमें पता चलता है वो ये है कि आपके बारे में हर कोई उस तरीके से नहीं सोचता जिस तरीके से आप अपने बारे में खुद सोचते हैं। इसलिए कोई भी चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है ताकि आप और भी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री जीवन अपने व्यतीत कर सकते हैं। चौथा टिप जो साइकोलॉजिकल फील्ड से हमें जानने को मिलता है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इस चीज में आपको मदद करेगा, वो ये है कि अगर आपके जीवन में आपको कुछ चीज चाहिए, कोई चीज है जो आपको बहुत ही अजीज है, जो आपके जीवन में आपको चाहिए ही चाहिए, तो उस चीज के लिए उसका कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। कभी भी आप उस चीज को त्याग ना करें जो आपको वास्तव में ही आपके जीवन में आप चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंतजार करना, वेटिंग पीरियड या वेटिंग टाइम जो है वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन पछताना वो बहुत बुरा हालत हो जाएगा। इसलिए कभी भी उस चीज का त्याग ना करें जो वास्तव में आपको आपके जीवन में चाहिए। ये चीज हमें पांचवे टिप की तरफ लेके जाती है। साइकोलॉजिकल फील्ड से जो हमें पांचवा टिप देखने को मिलता है वो ये है कि आप अपने जीवन में कोई नई चीज ट्राई करने के लिए कभी भी ना घबराएं, कभी भी ना ये सोचे, ना विचार करें, ना ये चीज से डरे कि कुछ नया चीज आप ट्राई कर रहे हैं तो कुछ गलत ना हो जाए। ये इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ नया चीज ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नया चीज आप अपने जीवन में बिल्कुल पा नहीं सकते। हम हमेशा उसी रूटीन में उसी जीवन को अगर बिताते रहेंगे तो हमारी जीवन जो है वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी और आप अपने लिमिट्स में ही रह जाएंगे। इसलिए कभी भी नई चीज को ट्राई करने के लिए आप घबराएं नहीं और डेफिनेटली उस चीज के लिए कोशिश तो जरूर से करिए। आज के ट्यूसडे टिप्स में छठे टिप्स की अगर मैं बात करूं जो साइकोलॉजिकल फील्ड हमें सिखाता है वो ये है कि ये मायने नहीं रखता है कि आप जीवन में जो भी चीजें कर रहे हैं, आप अपने काम के तरफ में या जीवन के तरफ में जो भी चीज कर रहे हैं वो कितने तकलीफदायी होती है, लेकिन आगे चल के एक आखिरी समय में जब आप पीछे अपनी जो भी जर्नी को या जो भी प्रवास को आपने बिताया है उस चीज को जब एक जगह पे पहुंच के आप पीछे देखेंगे, समडे व्हेन यू लुक इट एट बैक, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो भी तकलीफें, जो भी स्ट्रगल्स आपने तक गुजारे हैं पिछले इतने सालों में, वो जो स्ट्रगल्स हैं उस स्ट्रगल्स की वजह से ही आज आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही बेहतर हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दर्द में हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब आप अपने प्रवास को देखेंगे, आप पीछे मुड़ के अपने जर्नी को देखेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके संघर्षों ने ही आपके जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता से भरा है। तो ये कुछ 6 टिप्स थे जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था ट्यूसडे टिप्स के लिए। आई होप कि आपको ये टिप्स समझ में आए होंगे। जरूर से मेंशन करिए कि आपको कौन सा टिप बहुत पसंद आया, और अगर कुछ टिप आप डेफिनेटली फॉलो करते हैं अपने जीवन में तो वो भी मुझे जरूर से बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।